मकड़ी का जाला साफ करने से पहले जरूर करें ये काम, वरना झेलना होगा दुर्भाग्य। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, घर में साफ सफाई रखना बेहद जरूरी होता है। फिर अभी तो दिवाली का त्योहार भी नजदीक आ रहा है, ऐसे में कई लोग अपने घर की साफ सफाई में लगे रहते होंगे। घर को साफ सुथरा बनाने में आपके दो फायदे होते हैं। पहला, ये आपके स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा होता है, और दूसरा, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। वास्तु की माने तो जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा रहती है और माँ लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए घर का माहौल पॉजिटिव रखने के लिए और माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए घर में साफ सफाई होना बेहद जरूरी हो जाता है। साफ सफाई करते समय हम लोग यहाँ वहाँ की धूल झटकारते हैं, इसमें कई बार हमें दीवार पर बने मकड़ी के जाले भी दिख जाते हैं। ऐसे में हम बिना सोचे समझे इन मकड़ी के जालों को फटाफट साफ करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में जाले में रह रही मकड़ी कई मास जाने या अनजाने में मर भी जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर के अंदर मकड़ी को मारना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। कई बार मकड़ी मारने वाले के ऊपर इसका नकारात्मक असर भी पड़ने लगता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि मकड़ी को मारने वाले इंसान के ऊपर दुर्भाग्य सबसे पहले हावी होता है। इसलिए आप जब भी घर में मकड़ी का कोई जाला साफ करे तो ये काम अवश्य करे। घर में मकड़ी का जाला दिख जाए तो सबसे पहले झाड़ू से जाले के नजदीक धीरे से कंपन कर दे, इससे जाले पर बैठी मकड़ी भाग जाएगी। इसके बाद आप जाला आसानी से साफ कर सकते हैं और आपके हाथों की मकड़ी की जान भी नहीं जाएगी। यदि आप किसी वजह से मकड़ी को ही घर से बाहर करना चाहते हैं तो उसे किसी बर्तन में आहिस्ता से आने के लिए मजबूर कीजिए। इसके लिए आप बर्तन को चलती हुई मकड़ी के आगे रख दीजिए या फिर उसे जले सहित ही झाड़ू में लपेट कर बाहर फेंक दीजिए। बस जहां तक कोशिश हो सके मकड़ी को मारिएगा नहीं। तो दोस्तों, ये था वो काम जिसे आपको मकड़ी का कोई भी जाला साफ करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। आमतौर पर लोगों की मानसिकता यही होती है कि मकड़ी दिखते ही वो उसे झाड़ू या चप्पल से मार देते हैं, लेकिन घर में यदि आप मकड़ी जैसी जीव की हत्या करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मकड़ी को मारना दुर्भाग्य को न्योता देता है। जब आप मकड़ी को मारते हैं तो वो एक तरह से जीव की हत्या होती है। इससे ये हत्या जहाँ हुई है वहाँ सबसे अधिक नेगेटिव एनर्जी निकलती है, इसलिए ये नेगेटिव एनर्जी घर के साथ साथ मकड़ी मारने वाले इंसान में भी समा जाती है। नतीजन उसके चारों ओर दुर्भाग्य का साया मंडराने लगता है।